अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैयद हारिस नदीम। आज हम प्रिडिक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं क्लास 9 के, तो उनको देख लीजिए। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो इसका डेटा अगर हम बनाना चाहते हैं, एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करनी है। फाइंड एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन हमें इसमें फाइंड करनी है। वेलोसिटीज इसमें हमें दो तरह की दी हुई हैं, एक 11 मीटर पर सेकेंड और दूसरी दी गई है हमारे पास 33 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसमें लव फ्रॉम आ रहा है, यानी स्टार्ट यहाँ से हो रही है और जो काम हो रहा है, जो ख़त्म हो रही है, वो यहाँ पर है। तो ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। इसलिए मैंने वी आई इज़ इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 33 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड्स। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसमें क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो टर्म हमें फाइंड करनी होती है, या यूँ समझ लीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, उसे हमें अलहदा रखना पड़ता है। क्योंकि अभी इसके साथ टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आई भी लगा हुआ है, तो वी आई को जब हम उधर लेकर जाएंगे और ए को टी को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये किस तरह से बन जाएगा, वी आई उधर जाने के बाद वी एफ माइनस वी आई रह जाएगा इज इक्वल टू इस साइड पर रह गया ए टी, लेकिन ए और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं टी को नीचे डिवाइड करवा दूँगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ 33 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन का आंसर रहेगा, 33 माइनस 11 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 10। एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका एक्सेलरेशन का आंसर निकाल लिया है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आर स्ट्रिंग इज 2 मीटर लॉन्ग, यूज टू वाइल 200 ग्राम ऑफ स्टोन एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो हमें इसमें क्या करना है, जब तक मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कहता है कि एक हमारे पास धागा है जिसकी कुल मिलाकर जो लंबाई है वो 2 मीटर है, और 200 ग्राम्स का उसके पास एक पत्थर है जो उसने स्टोन और वो उसने बांधा हुआ धागे के साथ। तो पूछ रहा है कि टेंशन स्ट्रिंग कितनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात का जिक्र करता चलूँ कि जब हम डेटा बनाएंगे और टेंशन स्ट्रिंग के बारे में लिखेंगे, तो टेंशन इन स्ट्रिंग इस जगह पर यहाँ पर फोर्स का नाम दिया जाएगा उसको, ठीक है। यानी आपको एफ सी मालूम करनी है, फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। सॉरी, आर स्ट्रिंग इज 2 मीटर लॉन्ग, स्ट्रिंग है हमारे पास 2 मीटर लॉन्ग, तो हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे 2 मीटर। आप सोच रहे होंगे, कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यहाँ पर हम 2 मीटर लॉन्ग जो लिख रहे हैं वो रेडियस क्यों लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिखना चाहिए था। तो अगर किसी नॉर्मल फासले की बात होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहलाता है। अगर स्ट्रेट है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, अगर उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन होगी कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है और उसका सेंटर